Hi friends, welcome back to my another video. This is Manjeet and you are watching on your YouTube channel, My Smart World. मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंटेलिजेंट और गार्ड डॉग लेके आया हूँ। जी गाइस, आज हम बात करेंगे जर्मन शेफर्ड पे। ये वो जर्मन शेफर्ड है, क्वालिटी आप लोग इसकी देख सकते हैं। क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना। और ये जर्मन शेफर्ड एक फीमेल है और इसका जो कोट है वो मीडियम है। जर्मन शेफर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रीड होती है, ये वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर आते हैं इंटेलिजेंट में। और ये डॉग्स अपनी फैमिली और ओनर के बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, ये कभी भी अपनी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में मैं आप लोगों को इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को दबा कर पाए मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और फ्रेंड्स, गार्डिंग की बात आए और जर्मन शेफर्ड का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जर्मन शेफर्ड बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं। अगर गार्डिंग के पर्पज से आप लोग कोई डॉग लेना चाहते हैं तो जर्मन शेफर्ड आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया डॉग रहेगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये एक फीमेल है और ओनर ने इसकी जो फर्स्ट हीट है वो मिस करा दी है, तो नेक्स्ट हीट पे आप लोग इसका लीटर साइज ले सकते हो। जर्मन शेफर्ड इंटेलिजेंट होने की वजह से अगर आप लोग इन्हें ट्रेंड भी करना चाहोगे तो इजीली इन्हें ट्रेंड कर पाओगे। इनको ट्रेंड करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों, इस जर्मन शेफर्ड का शॉर्ट कोट है तो आप लोगों को इसे मेंटेन करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इन्हें वीक में 3-4 बार ब्रश जरूर करें ताकि आप लोगों के घर में इनके हेयर देखने को ना मिले। और जर्मन शेफर्ड काफी एनर्जेटिक डॉग्स होते हैं तो इन्हें सुबह शाम वॉक की और फिजिकल एक्सरसाइज की काफी जरूरत होती है। पर दोस्तों, गर्मियों में आप लोगों को इन डॉग्स के ऊपर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पर इन डॉग्स को नहाना बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, जर्मन शेफर्ड का सबसे पहला काम होता है अपने ओनर को सेव करना। अगर इन्हें जरा सा भी भनक लगी कि इनका ओनर किसी चीज से डरा हुआ है तो ये उनके ऊपर अटैक कर देंगे और बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। फिर उसमें चाहे इनकी जान ही क्यों ना चली जाए और ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि सामने फिर कौन है। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जर्मन शेफर्ड की सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही जबरदस्त होती है। ये अपनी सेंस ऑफ स्मेल को लेकर वर्ल्ड में 4th नंबर पर आते हैं और इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि पुलिस और आर्मी मैन इन्हें सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में अपने साथ रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एज के बारे में। इसकी जो एज है वो 1 ईयर ओल्ड है। जी हाँ गाइस, ये 1 साल की हो चुकी है। और इसकी जो लोकेशन है वो है पंजाब बठिंडा से। अगर आप लोग बठिंडा के आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप लोग डायरेक्ट जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। और डिलीवरी दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों को डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। ओनर ने इसका प्राइस काफी अफोर्डेबल रखा है। जी गाइस, इसका प्राइस ओनली 7,500 रुपए है। तो क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को इसका प्राइस कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों, इसे परचेज करने से पहले एक बार इसकी वैक्सीनेशन के बारे में भी ओनर से बात कर लेना। तो आई होप मैंने आप लोगों को इस डॉग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर फिर भी कुछ मिसिंग रहता है तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी कोई डॉग या और एनिमल है, आप लोग उसे सेल या फ्री में अडॉप्ट कराना चाहते हैं तो एक बार मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट करें, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय।